केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत को फोन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फोन किया है। सोनिया गांधी के कहने पर वेणुगोपाल ने फोन किया है। मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब, हमारे बस में हालात नहीं है क्योंकि बस के अंदर विधायक है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। सोनिया गांधी के कहने पर केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत को फोन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब, हमारे बस में हालात नहीं है, यानी कि उनकी विधायक सुन नहीं रहे। उनके ही समर्थित विधायक उनकी सुन नहीं रहे, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब है कि हमारे बस में हालात नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान का सियासी घटनाक्रम घट रहा है उसमें कांग्रेस के अंदर कई खेमे बट रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने सीएम गहलोत को फोन किया और एआईसीसी महासचिव ने जब फोन किया तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, हमारे बस में हालात नहीं है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, सूत्रों के हवाले से जो खबर, सोनिया गांधी के कहने पर केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत को फोन किया, मुख्यमंत्री गहलोत का जवाब, हमारे बस में हालात नहीं। मेरा सवाल कि जो भी इस वक्त 90-92 का आंकड़ा है, ये सब मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थक है, उनके एक आवाज पर कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर अगर उनके बस में हालात नहीं तो फिर किसके बस में? लेकिन सवाल ये है, इसके तीन भाग हैं विजेंद्र। पहला कि आज जो ये सब हो रहा है, ना वो कांग्रेस आलाकमान, ना वो अशोक गहलोत, इस बार ये सारा स्टैंड, ये समर्थक जरूर होंगे अशोक गहलोत के, लेकिन ये सारा जो स्टैंड लिया गया है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा। मैं केसी वेणुगोपाल की इस बात पे आऊंगी, लेकिन विजेंद्र, जब ये तमाम घटनाक्रम 2.5 साल पहले हुआ, मानेसर की स्थिति हुई, तब ये सब लोग चुप्पी इन्होंने देखी थी, क्योंकि जब ये कहा गया कि वो जो मानेसर में 15-17-18-20 लोग जा रहे हैं, चले गए हैं, उनकी वापसी हो रही है, तब ये लोग सब चुप हो गए। और ये मैं आपको उनकी जबानी बात बता रही हूँ, जब मैं विधायकों से टटोल रही हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तब भी चुप रहे। किस लिए? अशोक गहलोत ने कहा, मैं अभिभावक हूं, तुम्हारा सम्मान करता रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा, हम तब चुप रहे। उसके बाद हमने सोचा कि जिनके लिए हमने सरकार बचाई, जो दिल्ली में बैठे हैं आका, वो हमसे मिलेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल, लगभग 2.5-3 साल से वो समय मांग रहे हैं राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से। कभी तबियत नासाज होती है, कभी विदेश होते हैं, और कभी समय नहीं मिलता। तो अब जाकर जब वापस से ये थोपा जा रहा था, ऐसा वो विधायक मानते हैं, तो ये लग रहा है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार सुरक्षा हमारी है। अशोक गहलोत कुछ बोल नहीं रहे, वो अभिभावक की भूमिका में आ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे में और दिल्ली सुन नहीं रहा।